हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एसएस नॉलेज बास्केट सो चिल्ड्रन टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पोयम वाई एंड वी विल आल्सो डू द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोयम सो लेट्स स्टार्ट तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग से ये वर्ड्स आपके पोएम में दिए गए हैं और कुछ वर्ड्स आपके पोएम के न्यू वर्ड्स भी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड है क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु जिसे जानने की इच्छा होती है लेट शीशा मार्बल पत्थर सिंक डूबना रीजन कारण या वजह भी कहते हैं इसे शाइन चमकना नो जानना स्विम तैरना बिहाइंड पीछे और बच्चों लास्ट वर्ड है ऑलवेज मीन्स हमेशा रीडिंग इज फन क्वेश्चन वन नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो पानी में डूब जाती हैं तो बच्चों जैसा कि हमने पोएम में पढ़ा कि लेड और मार्बल जो है वो पानी में डूब जाती हैं उसके साथ साथ हम नेल्स क्वाइन स्पून और ऐसी बहुत सारी चीज़ों का नाम भी लिख सकते हैं क्वेश्चन टू लिस्ट थ्री क्वेश्चन दैट द लिटिल बॉय आस्क कि तीन क्वेश्चंस आप लोगों को लिखना है जो कि वो छोटा बच्चा जो इस पोएम में था वो पूछता है तो क्वेश्चन वन है वाई डू लेड एंड मार्बल सिंह कि लेड और मार्बल क्यों पानी में डूब जाती है वाई डज द विंड ब्लो कि विंड जो है वो क्यों चलती है वाई डू वी ईट एंड ड्रिंक हम खाते और पीते क्यों हैं बच्चों आप इसके अलावा उसके बहुत सारे वाई क्वेश्चन थे आप और भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं क्वेश्चन थ्री वॉट शॉर्ट ऑफ अ बॉय इज डिस्क्राइब्ड इन द पोयम कि पोयम में किस तरह के लड़के के बारे में बताया गया है तो आंसर है बच्चों क्यूरियस कि वो बच्चा जो था वो काफी क्यूरियस था वो हर चीज को जानना चाहता था नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स टॉक राम इज अ क्यूरियस लिटिल बॉय राम जो है वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु छोटा सा एक बच्चा है ही इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन और वो हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है वन डे ही केम होम एक दिन वो घर आता है एंड आस्ड हिज ग्रैंड फादर क्वेश्चन और वो अपने वो दादाजी से क्वेश्चन करता है जैसे कि क्वेश्चन करता है कि सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण के दौरान हम सूर्य को क्यों नहीं देख सकते आंसर इज वी कांट लुक एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स एज द सन रेडिएशन कैन हार्म आर आइस कि हम सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को हम इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं हमारी आइज को नुकसान पहुँचा सकती है क्वेश्चन टू है वाई कांट वी टच द सन कि हम सूर्य को क्यों नहीं छू सकते तो आंसर है बच्चों वी कांट टच द सन बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम अस हम सूर्य को इसलिए नहीं छू सकते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है क्वेश्चन थ्री वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डाक कि हम अंधेरे में खेलने के लिए बाहर क्यों नहीं जाते हैं आंसर है बच्चों वी कांट गो आउट टू प्ले इन द डार्क बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू सी एनी थिंग एंड कैन इवन फॉल डाउन वाइल्ड प्लेइंग हम अंधेरे में खेलने के लिए बाहर इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि हम अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पाएंगे और खेलते समय हम गिर भी सकते हैं वोट बिल्डिंग क्वेश्चन वन फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच राइम विद द कलर्ड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस ओके तो बच्चों दिए गए ब्लैंक में आपको राइमिंग वर्ड्स फिल करने हैं जो कि पोएम से होने चाहिए और ये राइमिंग वर्ड्स किसके होंगे जो कलर वर्ड्स हैं तो चलिए देखते हैं फर्स्ट है वाई वाई का राइमिंग वर्ड है स्काई वाई इज द स्काई सो हाई नेक्स्ट है नो नो कराइमिंग वर्ड बच्चो वैसे तो मुझे जो लगा ब्लो होना चाहिए बट सेंटेंस के हिसाब से ब्लो फिट नहीं बैठता है सो आई हैव रिटन यनो डू यू नो द कलर ऑफ स्नो हैव यू फाउंड हु मेड द डैश तो बच्चों फाउंड कराइमिंग वर्ड आपके पोयम से क्लाउड है फाउंड क्लाउड नेक्स्ट है पुट द ग्लास इन दिंक आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंक सिंक कराइमिंग वर्ड ड्रिंक नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन टू द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बल पुट दैम राइट एंड मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन तो यहाँ कुछ जम्बल्स वर्ड्स दिए गए हैं आप इनको वर्ड्स को सीधा करके सही करके लिखना है और इन वर्ड से आपको सेंटेंसेस भी बनानी है तो फर्स्ट वर्ड हम देखते हैं नो नो का सेंटेंस है आई डोंट नो हर नेम मुझे उसका नाम नहीं पता है नेक्स्ट है स्विम आई कैन स्विम मीन्स मैं तैर सकता हूँ लेड, लेड इज़ अ मेटल लेड जो है वो एक मेटल है मार्बल मार्बल इज वाइट इन कलर तो मार्बल जो है वो पत्थर वाइट कलर का होता है हिल्स आई लव टू क्लाइंब हिल्स मीन्स कि मुझे हिल्स पे क्लाइम करना चढ़ना पसंद है लेट्स राइट क्वेश्चन वन डिस्कस एंड राइट आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनको डिस्कस करके इनके आंसर्स आपको लिखने हैं क्वेश्चन ए है वाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट कि जो बिल्लियाँ हैं कैट्स हैं और डॉग्स आपस में फ़ाइट क्यों करते हैं तो कैट्स एंड डॉग्स फाइट बिकॉज दे आर नॉट फ्रेंडली विथ ईच अदर तो ये भी एक रीज़न हो सकता है उनके फ़ाइट करने का क्योंकि वो आपस में फ्रेंडली नहीं है उनकी दोस्ती नहीं है इस वजह से वो फाइट करते हैं क्वेश्चन बी वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन कि हम रोड पे चलते हैं हम दौड़ते क्यों नहीं हैं रोड पे तो आंसर होगा बच्चों वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन बिकॉज रनिंग में लेड टू एक्सीडेंट्स कि हम रोड पे चलते हैं दौड़ते नहीं हैं क्योंकि अगर हम दौड़ेंगे तो क्या हो सकता है बच्चों एक्सीडेंट हो सकता है क्वेश्चन सी वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम कि लोगों को आइसक्रीम क्यों पसंद है पीपल लाइक आइसक्रीम बिकॉज इट इज़ कोल्ड एंड डिलीशियस लोगों को आइसक्रीम इसलिए पसंद है क्योंकि ये ठंडी होती है और साथ ही साथ ये काफ़ी स्वादिष्ट होती है क्वेश्चन टू राइट डाउन एटलीस्ट टू क्वेश्चन यूजिंग वाई आपको बच्चों दो क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे लेकिन वो क्वेश्चन वाई से होने चाहिए तो क्वेश्चन ए में मैंने लिखा है वाई इज द अर्थ राउंड मीन्स की अर्थ गोल क्यों है सेकेंड है वाई आर यू क्राइंग तुम क्यों रो रहे हो नेक्स्ट है फन टाइम पेंटिंग विथ अनियन हाफ्स एंड बॉटल टॉप्स तो बच्चों आपको फन आप टाइम में आपको पेंटिंग करना है जो अनियन के हाफ मीन्स अनियन को हाफ काट लेना है और साथ ही साथ आपको बॉटल्स के कैप को लेना है यू नीड टू अनियन हाफ्स टू बॉटल टॉप्स वॉटर कलर प्लेट फॉर मिक्सिंग तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट में आपको ये सारी चीज़ें लेनी है और ये पेंटिंग कैसे करेंगे चलिए इसके मेथड को देखते हैं टेक एन अनियन कट इन टू हाफ मिक्स वन पेंट ऑफ एनी कलर विद अ लिटिल वाटर इन अ प्लेट डिप द कट साइड ऑफ द अनियन इंटू द कलर नाउ प्रेस इट ऑन अ पेपर टू मेक डिजाइन प्रेस द बॉटल टॉप इन टू द सेंटर ऑफ द डिजाइन यू कैन यूज अनदर कलर फॉर द अदर अनियन हाफ एंड द अदर बॉटल ओके okay. तो बच्चों आपको क्या करना है अनियन को हाफ पोर्शन में काट लेना है और आपको एक प्लेट में कलर डालना है थोड़ा सा वाटर मिलाना है मिक्स करना है और जो कटा हुआ पोर्शन है उसको आपको अनियन के उस पोर्शन को आपको वाटर कलर में डिप करना है और जैसा कि यहाँ फिगर बनाया हुआ पिक्चर यहाँ पेंटिंग हुआ है इसको प्रेस करके आपको अपने पेंटिंग को डिज़ाइन देना है और बीच में आपको जो बॉटल कैप है उसको कलर में डिप करके उसको बीच में आपको सेंटर में प्रेस करके इस पैटर्न को कंप्लीट करना है तो ऐसे आप दूसरे डिज़ाइन्स भी बना सकते हैं तो बच्चों आई होप आपको ये पोइम के क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू